नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ 1 मई से लेकर 15 मई तक के राशिफल के बारे में कि ये 15 दिन आपके किस प्रकार व्यतीत होने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कहती है। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वालों, हेल्थ रिलेटेड ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पुराने रोग जो है वो दूर होंगे। आप खुद ही प्रयास करेंगे अपने स्वास्थ्य को यहाँ पर और अच्छा बनाए रखने के लिए। इस महीने की 5 व 6 तारीख को वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए यहाँ पर वाहन चलाते समय। जो आपके करीबी लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके साथ में यहाँ अनबन देखने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लेकर जो विवाह चल रहे हैं उनमें यहाँ पर फैसला आपके पक्ष में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बनती है। 13 तारीख इस महीने की आपके लिए शुभ नहीं है मेष राशि वालों। वृष राशि वालों, हेल्थ रिलेटेड बात करें यहाँ पे आपके लिए 1 तारीख से लेके 15 मई तक की, तो मौसमी परेशानियां यहाँ पर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मित्रों का सहयोग इस बीच में आपके लिए काफी बना रहेगा, यानी ये जो 15 दिन है आपका जो फ्रेंड सर्कल है आपके लिए काफी सपोर्टिव होने वाला है। परिवार में तनाव की स्थिति देखिए यहाँ पर किसी स्त्री के कारण बनी रहेगी। काम में बार बार रुकावटें आती रहेंगी। 8 मई आपके लिए यहाँ पर शुभ नहीं है। विशेष आपको 8 मई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कोई बुरा समाचार या फिर किसी अपने के खो जाने की सूचना आपको यहाँ पर मिल सकती है जो आपके सबसे करीबी रहा हो। मिथुन राशि वालों, 1 मई से लेकर 15 मई इस बीच में आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। लव मित्स के लिए यहाँ पर हम बात करें तो ये 15 दिन जो है वो काफी शुभ रहने वाले हैं। मित्रों का लाभ पूर्ण रूप से बना रहेगा आपके लिए। संतान के पीछे ज्यादा खर्चे देखने को मिलेंगे और ज्यादा खर्चों के कारण यहाँ पर तनाव की स्थिति भी आपके ऊपर बढ़ने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियल बजट जो है आपके घर का वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। कर्क राशि वालों, 1 मई से लेकर 15 मई तक आपको पेट संबंधित दिक्कत, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सर में लगातार दर्द व मौसमी परेशानियां देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य लगातार यहाँ प्रभावित रहेगा। थोड़ा सा संभलेंगे नहीं फिर कोई दूसरी समस्या हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए बन जाएगी। बिजनेस में यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये 15 दिन काफी अच्छे हैं। बुआ बहन व बेटी द्वारा लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकता है। मई की 4, 8, 11 तारीखें आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यहाँ पर निवेश करने का या फिर यात्रा करना सोचिएगा भी मत। अगर यात्रा कर रहे हैं तो टाल दीजिएगा और निवेश करने के लिए इन तारीखों को न चुनिएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। सिंह राशि वालों, 1 मई से लेकर 15 मई आपके लिए ये जो महीना है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने वाला है। इसको यूं समझ लीजिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करेंगे और वो काफी हद तक आपके पक्ष में भी रहेगी। मित्रों की वजह से यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए मित्रों की बोली पर थोड़ा कम भरोसा रखें, स्वयं के विवेक पर ध्यान दें तो आपको ये नुकसान नहीं हो सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या कहीं पैसा लगा रहे हैं या उधार दे रहे हैं वो भी अपने किसी मित्र को, तो काफी सोच समझकर उसके बाद दीजिएगा। पत्नी तनाव का यहाँ पर कारण बन सकती है। उसके पीहर वाले यहाँ पर आपके लिए काफी मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, तो पारिवारिक दृष्टि से ये 15 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। कन्या राशि वालों, 1 मई से लेके 15 मई तक ये अवधि आपके लिए कैसी रहने वाली है ग्रहों के अनुसार। तो देखिए, अगर ट्रांसफर की बात करें तो ये पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रांसफर के लिए। हेल्थ रिलेटेड की बात करें 15 मई तक टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। माता का स्वास्थ्य यहाँ पे प्रभावित देखने को मिल सकता है। 13 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। यहाँ पर आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, किसी के साथ में विवाद भी हो सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि, पारिवारिक माहौल 1 मई से लेके 15 मई तक ये लगातार यहाँ पर तनाव भरा रहने वाला है। बाहरी व्यक्तियों का इन्फ्लुएंस आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये परिवार से बाहर रहने वालों का भी हो सकता है या किसी मित्र का भी आपके परिवार के ऊपर यहाँ पर प्रभाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर उन्नति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र आपका यहाँ पर काफी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ये जो 15 दिन है वो आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले हैं।
अपने मन के प्लानिंग्स को कोशिश करिएगा किसी के साथ में शेयर बिल्कुल भी ना करें। वृश्चिक राशि, 1 मई से लेके 15 मई आपके लिए ये ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ने के लिए है, अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। आप जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके साथ में यदि आप लंबे समय तक अपने संपर्क को बनाकर रखते हैं तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आपके काम को दे सकते हैं, आपके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं और एक ऐसे समय पर आपको मदद भी आ सकते हैं जो आपको काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। तो ये 15 दिन आपके कॉन्टेक्ट्स को जोड़कर रखने के लिए है, क्योंकि यही कॉन्टेक्ट फ्यूचर में आपके लिए काफी मददगार होने वाले हैं। ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन रिलेशनशिप से बचकर रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए वो मुसीबत का कारण बन सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए आपके लिए टाइम सूटेबल रहने वाला है 1 से लेकर 15 तारीख। इस बीच में ध्यान रखिएगा, आपके लिए मई की 6 तारीख सूटेबल नहीं है, फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और ये भी हो सकता है यहाँ पर आपकी माता द्वारा आपको कुछ ऐसा सुनना पड़ जाए या उनके मुख से ऐसा सुनने को मिल जाए जिसके कारण आपको पीड़ा ज्यादा हो जाए। धनुराशि, धनुराशि वालों 1 मई से लेकर 15 मई तक अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें और वाणी पर भी जितना हो सके गुस्से को अवॉइड करने की कोशिश करिए। गुस्सा आता भी है तो मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। घर के बुजुर्ग के साथ में यहाँ पर विवाद हो सकता है जिसके कारण परिवार का माहौल काफी तनाव भरा रह सकता है। स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका प्रभावित देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य तारीख आ रही है 5, 9 और 11 तारीख, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दिख रही है, तो विशेष अपने स्वास्थ्य का इन तारीखों में ध्यान रखें। ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और इन्हीं तारीखों में कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करेगा। ट्रैवलिंग आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है और पर्टिकुलरली जो डेट्स आपके लिए शुभ नहीं है उसमें तो आपको अवॉइड ही करनी है ट्रैवलिंग। मकर राशि, 1 मई से लेकर 15 मई यहाँ पर रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपने किसी को दे रखा है और अगला इंसान आनाकानी कर रहा है आपको आपका पैसा लौटाने के लिए, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख है, इस बीच में आप पूरी कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए तो फंसा हुआ धन यहाँ पर निकलने की बहुत अच्छी उम्मीद बन रही है बृहस्पति के कारण। तो यहाँ पर आपका जो फंसा हुआ है पैसा वो यहाँ पर निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे बदलाव यहाँ इन 15 दिनों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव आपके वर्क प्रेशर को काफी बढ़ाने वाले हैं। आपके लिए मई की 5, 8 और 12 तारीख शुभ नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य का पाया यहाँ पर कमजोर देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यहाँ लगातार देखने को मिलेगी, किसी तरह की सर्जरी भी यहाँ पर हो सकती है। 9 और 10 तारीख यहाँ पर आपके लिए ट्रेवल करने के लिए अच्छी नहीं है, विशेष कामों को खराब कर सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया है उनको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर इन 15 दिनों में मिल सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों 1 मई से लेकर 15 मई कर्जे आपके बढ़ने वाले हैं, वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर उत्तम योग बनते हैं, अचानक से लाभ प्राप्त होने के अवसर भी यहाँ पर बनेंगे, बहनों का सहयोग यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। लव मेट्स के लिए ये 15 दिन शुभ नहीं है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल कि 1 मई से लेकर 15 मई तक ग्रहों की स्थिति उनके लिए क्या ला रही है। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।